पहले किसी जंगल में मयूर नाम का एक मोर रहता था। मयूर की नीली गर्दन और हरे नीले पंख थे जो उसे बहुत सुंदर बनाते थे। और क्योंकि मयूर बहुत शांत स्वभाव का था, इसीलिए उसका कोई दोस्त तो क्या, यहाँ तक कि कोई दुश्मन भी नहीं था। वो जंगल में अकेला बड़े मजे में अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन पास के राज्य का राजा उस जंगल में शिकार करने आया। वो हाथ में तीर कमान लिए शिकार की खोज में यहाँ वहाँ फिर रहा था। तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अरे अचानक इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? राजा जल्दी से एक घने पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। इस बारिश ने तो मेरे शिकार करने की योजना पर पानी ही फेर दिया। दूसरी तरफ मयूर मोर बारिश के होने से बहुत खुश था। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है, ये कहकर मयूर मोर ने अपने पंख फैलाए और बारिश में नाचना शुरू कर दिया। नाचते नाचते वो बहुत आगे निकल आया। तभी पेड़ के नीचे खड़े राजा की नजर उस पर पड़ी। राजा मयूर को देखकर हैरान रह गया। उसने इससे पहले कभी किसी मोर को ऐसे बारिश में नाचते नहीं देखा था। ये मोर तो बहुत सुंदर है, मेरे बगीचे के बाकी पशु पक्षियों की तरह इसमें कोई कमी नहीं है। इस मोर को तो मेरे महल में होना चाहिए। ये सोचकर राजा तेज बारिश की परवाह किए बिना मोर की तरफ चल दिया। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचा, मोर वहाँ से जा चुका था। अरे मोर चला गया, वो मोर मेरे महल में कितना अच्छा लगता। निराश होकर राजा अपने महल लौट आया। लेकिन महल लौटने पर भी राजा उस मोर को नहीं भूल पा रहा था। इसीलिए एक दिन राजा ने अपने मंत्री को कहकर घोषणा करवा दी कि जंगल में बहुत सुंदर मोर रहता है, जो भी उसे महाराज के लिए पकड़ कर लाएगा, महाराज उसे सोने के 1000 सिक्के देंगे। ये सुनकर राजा के लोगों के मन में लालच आ गया। मोर को पकड़ना कौन सा मुश्किल है, इस मोर को तो मैं ही पकड़ूंगा। आज सोने के 1000 सिक्के भी मुझे ही मिलेंगे। इनाम की लालच में सभी जंगल पहुँचे और मोर को ढूंढने लगे। लेकिन मयूर मोर इस सबसे अनजान था। वो रोज की तरह पेड़ से पत्थर गिरे फल खा रहा था। तभी दूर से एक जाल आकर उस पर गिरा। ये जाल कहाँ से आया? मयूर ने जैसे ही घूमकर देखा तो एक आदमी दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। पकड़ा गया, पकड़ा गया। उसे देखकर मयूर ने जल्दी से खुद को जाल से छुड़ाया और वहाँ से उड़ गया। मैं कितना मूर्ख हूँ, इतने बड़े मोर को पकड़ने के लिए मैं कौवे को पकड़ने लायक छोटा सा जाल लाया। जाल से बचकर मोर उड़ता हुआ जा रहा था। तभी एक के बाद एक हर तरफ से उस पर जाल आने लगे। ये क्या हो रहा है, ये इतने सारे जाल कहाँ से आ रहे हैं? किसी तरह मयूर ने उन जालों से अपनी जान बचाई और एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गया। ये अचानक जंगल में क्या होने लगा? अभी वो ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है और उनके हाथ में भी वैसा ही जाल है। महाराज ने कहा है कि जो भी उस मोर को पकड़ कर लाएगा उसे वो सोने के 1000 सिक्के देंगे, इसलिए मैं ज्यादा देर आराम नहीं कर सकता। ये सुनते ही मयूर समझ गया कि उस पर अचानक ये हमले क्यों होने लगे हैं। महाराज ने मुझ पर इतना बड़ा इनाम रखा है, इसलिए ये लोग मुझे पकड़ कर ही रहेंगे। मुझे कुछ दिनों के लिए ऊंचे पर्वत पर चले जाना चाहिए। ये कहकर मयूर उड़ता हुआ ऊंचे पर्वत पर चला गया। इस ऊंचे पर्वत पर आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया, इसलिए जब तक वो लोग हार मानकर जंगल से नहीं चले जाते तब तक मैं यहीं रहूंगा। अब मयूर उस ऊंचे पर्वत पर ही रहने लगा। उस ऊंचे पर्वत पर खाने के लिए बहुत कुछ था, इसीलिए मयूर को वहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसे ही एक महीना बीतने पर मयूर ने सोचा,
मुझे यहाँ आए 1 महीना हो चुका है। अब तक वो सभी लोग हार मानकर वापस चले गए होंगे। ये सोचकर मयूर वापस जंगल की तरफ उड़ गया। जंगल पहुंचकर उसने देखा कि सभी लोग अब भी थके हुए भूखे पेट उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। क्या ऐसा कोई मोर है भी या नहीं? कहीं महाराज ने मोर के नाम पर हमें पोपट तो नहीं बनाया? मैं तो कहता हूँ किसी को भी मिले, बस एक बार वो मोर मिल जाए ताकि हम वापस अपने घर जा सकें। ये देखकर मयूर बहुत दुखी हो गया। लालच की वजह से ये लोग इस जंगल से वापस नहीं जा पा रहे। मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। ये सोचकर मयूर खुद राजा के महल में जा पहुंचा। महाराज लीजिए, मैं खुद आपके पास आ गया, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कैसा सवाल? आपने मुझे पकड़ने के लिए इतने बड़े इनाम की घोषणा क्यों की? वो इसलिए कि मेरे बगीचे में बहुत से पशु पक्षी रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारे जितना सुंदर नहीं है। किसी में कुछ कमी है तो किसी में कुछ, लेकिन तुम में कोई कमी नहीं है। तुम सर्वगुण संपन्न हो। इस पर मयूर ने बहुत प्यार से कहा, महाराज आपने मुझे बारिश में नाचते हुए तो देखा, लेकिन आपको बारिश में मेरे आंसू दिखाई नहीं दिए। कौन से आंसू? और तुम रो क्यों रहे थे? मैं अपने पैरों की वजह से रो रहा था। मेरे पैर बहुत बदसूरत हैं, इसलिए जब भी मैं नाचते हुए अपने पैरों को देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। इसलिए माफ करना महाराज, लेकिन आपके बगीचे के दूसरे पशु पक्षियों की तरह मुझ में भी कमी है। मयूर की बात सुनकर राजा समझ गए कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो समझ गए कि हम सभी में कोई ना कोई कमी होती है, इसीलिए उन्होंने मयूर से माफी मांगते हुए कहा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई, इसलिए मुझे माफ कर दो। पर अगर तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए आपके महल में रहने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उन्होंने इनाम की घोषणा को रद्द कर दिया। जब लोगों को इनाम रद्द होने की घोषणा का पता चला तो उन्होंने चैन की सांस ली और वो अपने अपने घर चल दिए। इस किस्से से वो भी